नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल अनिल सराय टीवी में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। ये भारत सरकार की है और इसमें मैट्रिक पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ITI पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है इसमें काम करना मतलब बहुत ही गर्व की बात है, ये डिफेंस के लिए कार्य करती है। तो चलिए बात करते हैं इसमें अप्रेंटिस के बारे में। तो इसमें मैट्रिक्स के भी कर सकते हैं, और आपको बता दें अगर मैट्रिक में आपका 60% नहीं है, जनरल है, OBC है, तो वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैट्रिक के लिए 60% होना चाहिए जनरल OBC को, और SC ST के लिए 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए, तभी उनका अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो हम आप जाएंगे इंगेजमेंट ऑफ CSR अप्रेंटिस ऑफ 2021। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा दो तरह के डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने होंगे, एक ये है फॉरम है, और ये है इंस्ट्रक्शन। हमने दोनों डाउनलोड कर रखे हैं और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोनों को। तो यहाँ से कीजिएगा तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इंस्ट्रक्शन पहले डाउनलोड करके बता दें आपको इसके बारे में, तो फिर से डाउनलोड कर ले रहे हैं और ये ओपन हो जाएगा डाउनलोड होने के बाद। और यहाँ से आएंगे तो डाउनलोड हुआ देख सकते हैं, पेन हो गया। तो देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये जो है बेंगलोर में है, और आपको जो फॉर्म फिलअप करना है वो ऑफलाइन फिलअप करना है। और एक दिक्कत ये है कि जो एज होना चाहिए 15 से 18 के बीच के बच्चे भर सकते हैं, 18 से ऊपर के बच्चे इसको फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। और इसे फैसिलिटी दी जाएगी, फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, एजुकेशन स्टिपेंड तो नहीं दिया गया, लेकिन स्टिपेंड दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा ये नहीं दिया गया है। मेरे ख्याल से मिनिमम 6,000 से लेके आपको 10,000 तक का दिया जा सकता है, ये एक्चुअल नहीं है क्योंकि इसमें दिया नहीं गया, 10,000 तक का दिया जा सकता है। और इसमें आप ऑफलाइन के फॉर्म भेजना है, फॉर्म भर के जिसके साथ मैट्रिक का मार्कशीट लगाना है, BPL लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड फोटोकॉपी भेजना है। आपको फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 12 नवंबर तक का है, इस डेट तक आपको उस ऑफिस तक भेज देना है। एड्रेस हम बता दें उसका, जो हम देखते हैं, चले बैक आते हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो उसका फॉर्म का फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा और किए हुए हैं पहले से हम। तो देखिए इसमें आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, इसको प्रिंट करा लीजिए साइबर कैप से डाउनलोड करके, और इसको फॉर्म फिलअप करके इसके साथ आपको ये जो नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चार को डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको क्या कीजिएगा आपको अटैच कर दीजिएगा। और किस एड्रेस पर भेजना है वो एड्रेस है, ये इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। और आपको जो मेरिट बनेगा मैट्रिक के मार्क्स बेसिस पर बनेगा, अगर आपका मिनिमम 60% है मैट्रिक में, जनरल OBC हैं तो तब भर सकते हैं, अगर SC ST हैं तो आपको 50 होने चाहिए, इससे अगर कम होता है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका मार्क्स सही होना चाहिए। और देखिए आपको इसमें जो है आपको अपना नाम डालना है बड़े कैपिटल लेटर में, और डेट ऑफ बर्थ डालना है, और यहाँ पर अपना कितने साल के हो गए वो डाल दीजिएगा, पिताजी का नाम लिखिए यहाँ पे, और क्या करते क्या, ऑक्यूपेशन क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, मंथली इनकम महीने कितने सैलरी आती है, कितने कमा लेते हैं, माता का नाम लिखिएगा यहाँ पे, और इतना उनको उनका व्यवसाय क्या है, तो अगर कोई कार्य नहीं करते तो उनका हाउस वाइफ लिख दीजिएगा, और मंथली इनकम 0 डाल दीजिएगा। आपके फैमिली का साल का इनकम कितना था वो इतना यहाँ लिखिएगा, उसके बाद आपका टोटल मैट्रिक में कितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था यहाँ लिखिएगा, और कितना आपने पाया वो यहाँ लिखिएगा, और यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपका दीजिएगा, और कैटेगरी में आपको जनरल OBC ST जो होंगे यहाँ पे लिख दीजिएगा, और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, और यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपको पोस्ट कर दिया कंपनी आपको यहाँ पोस्ट करेगी, और टेलीफोन नंबर ज़रूर सही से डालें ताकि आपको कोई भी कंपनी कॉन्टैक्ट मोबाइल के थ्रू या आपके पोस्टल एड्रेस के थ्रू करेगी। तो और यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा, आप जिस डेट को भेजेंगे, और यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा, और ये चारों कॉपी आपको अटैच करके दिए गए पते बैंगलोर ये बैंगलोर में भेज दीजिएगा। तो इतना भरने के बाद आपका फॉर्म भेज दीजिएगा, तो वहाँ पे जैसा भी होगा कंपनी आपको आपको बुला लेगी, और मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, इसी वेबसाइट पर आप चेक करते रहिएगा, जिनकी चिंता मत करें, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही आप इस पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं,
और वीडियो अच्छा होगा, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और किसी प्रकार कोई दिक्कत हो रही है इस वीडियो में तो प्लीज़ हमें ज़रूर सूचना करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।